हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आप लोग से शेयर करूंगी आज मैं नारियल के लड्डू की रेसिपी। देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। कितना बढ़िया बना है नारियल का लड्डू। नारियल के लड्डू चीनी और गुड़ दोनों चीज़ों से बनाई जाती है। चीनी और गुड़ दोनों के साथ अलग अलग स्वाद आता है इसका। तो चलिए आज हम बनाते हैं चीनी के साथ नारियल के लड्डू। बहुत आसानी से बनते हैं ये। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो कृपया आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं नया वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। मैं 3 नारियल को तोड़ करके 2 भागों में ली हूँ। 3 नारियल का लड्डू बनाऊंगी मैं। देखिए, इस तरह से 2 भागों में तोड़ ली हूँ, इसको ग्रेट करने में आसानी होगी। आप इसका छिलका निकाल करके इसको मिक्सी में पीस सकते हैं या ग्रेट कर सकते हैं। अगर बिल्कुल व्हाइट लड्डू बनाना है तो हम कोशिश करें कि इसका व्हाइट वाला पार्ट ही ग्रेट करें, ब्राउन वाला पार्ट बिल्कुल ग्रेट ना करें, नहीं तो काला हो जाएगा लड्डू। जितना हो सके ज़्यादातर व्हाइट वाला पार्ट क्यों, हल्का फुल्का ब्राउन वाला पार्ट आए तो कोई बात नहीं, ज़्यादा आएगा लड्डू का कलर बिल्कुल व्हाइट नहीं होगा। इस तरह से मैं सारा ग्रेट करके रख ली हूँ पैन में। अब इसको गैस पे चढ़ा दूँगी, साथ ही ऐड कर दूंगी मैं चीनी ली हूँ 750 ग्राम। एक नारियल में 250 ग्राम चीनी डाला जाता है। अगर नारियल का साइज थोड़ा छोटा रहे तो थोड़ा सा कम डालिए, और अपने मिठास के हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चला लूँगी इसको, अच्छी तरह से चलाना है। लड्डू की खास बात है इसको अच्छी तरह से चलाते रहना होगा, नहीं तो नीचे कढ़ाई की पेंदी में जल जाएगा लड्डू और लड्डू का कलर खराब हो जाएगा। मीडियम टू लो फ्लेम करते हुए इसको पकाना है। इसमें कुछ ऐड नहीं करना है, ना पानी ना दूध। थोड़ी देर के बाद देखेंगे हम चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। देखिए, देख सकते हैं मेल्ट होना शुरू हो गया है। बस लड्डू को अच्छी तरह से चलाते चलाते थोड़ा सा हमारा हाथ दुख जाता है, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बनेगी। इस खास ट्रिक से अपनाइए, बिल्कुल अच्छी बनेगी आपकी लड्डू, बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद बनेगी लड्डू। चलाते रहिए लगातार 20 से 25 मिनट के बाद देखेंगे आप इस तरह से कढ़ाई की पेंदी में। आप देख सकते हैं हल्का सा ऑयली दिखने लगा है, इसमें से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे आप चाहे तो थोड़ा सा 1 चम्मच निकाल करके ठंडा करके चेक कर लीजिए। अगर बधना शुरू हो गया है तो फ्लेम को ऑफ कर दीजिए या थोड़ा सा और पका लीजिए। 20 से 25 मिनट के अंदर हमारा लड्डू रेडी हो जाएगा। इसको हमें लगातार चलाना है, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है। फ्लेम को कभी हाई नहीं करना है, नहीं तो लड्डू का कलर चेंज हो जाएगा, बिल्कुल वाइट नहीं बनेगी लड्डू। अब तैयार है ये, मैं ऑफ कर दूंगी फ्लेम को। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इस प्रकार से जैसे हम लड्डू बनाते हैं इस तरह से गोल गोल शेप में बना लूँगी। हल्का गरम गरम में ही बनाएं, बिल्कुल ठंडा हो जाने के बाद नहीं बन पाएगा, जम जाएगा लड्डू। इस तरह से हल्का गरम में इसी तरह से सारे लड्डू को बना लूँगी। देखिए कितना बढ़िया बना है लड्डू। इसी तरह से सारे लड्डू को तैयार कर लेना है। इसको एयर टाइट कंटेनर में भर करके हम 15 दिनों तक खा सकते हैं फ्रिज में रख के। बहुत अच्छी लगती है नारियल के लड्डू खाने में। इसे बना करके आप भगवान को भोग लगाइए या खुद खाइए और सबको खिलाइए। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। ओके, बाय, टेक केयर।